अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फराह, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिखाऊंगी आपको ड्रैगन फ्रूट जूस बनाना, जिसके लिए हमारे पास एक अदद ड्रैगन फ्रूट है, लेमन है, मिंट लीव्स है और सोडा वाटर। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैं ड्रैगन फ्रूट को काट लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ड्रैगन फ्रूट को काट लिया मैंने। लेमन को जूस ले रहे हैं 1 से 2 टीस्पून, और स्लाइस में काट लें लेमन को। मिक्सी जार लेंगे, के अंदर लेमन जूस डालेंगे, शुगर ऐड कर दें सबसे पहले, एक दो आइस क्यूब्स डाल दें इसके अंदर। ये देखिए, जब रेडी हो जाए तो इसमें तीन से चार पत्ते डाल दें इसके अंदर, और ज्यादा नहीं। इसको ब्लेंड करेंगे, बस एक दफा इसको, बस इनफ है। चल अब इसके अंदर शामिल करेंगे व्हाइट सोडा, किसी भी कंपनी का ले लें। चलिए अब इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। पहले जग में पोर करेंगे, मिंट स्लिप डाल दें, लेमन स्लाइस डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, एक ग्लास में इस तरह से आप शुगर लगा लें, इसके अंदर एक अदर लेमन स्लाइस डाल दें, मिंट लीव्स डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे, और इसके ऊपर जूस पोर करेंगे, और इसे फैंसी करने के लिए इसके ऊपर स्ट्रॉ डाल दें, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट जूस तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें। आज मैं सिखाऊंगी आप एवोकाडो स्मूदी बनाना। 2 एवोकाडो 2 बनानास, हस्बैंड जरूरत आइस क्यूब्स लूंगी, मिल्क लिया यहाँ मैंने 1.5 कप, योगर्ट है 1/4 कप, शुगर है 1 टेबल स्पून। अगर आपको शुगर पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप हनी भी यूज कर सकते हैं, हनी ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून। तो चले बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मिक्सी ब्लेंडर ले लें, इसके अंदर एवोकाडो डालेंगे, इसके बाद इसके अंदर बनाना डालेंगे, ठीक है, साथ ही इसके अंदर योगर्ट डाल दें। सब कुछ आप इकट्ठे डाल दें, उसके साथ आप इसको ब्लेंड कर लें। अब इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, मिल्क शामिल कर दें। आप चाहे इसको 1.5 कप से 2 कप भी मिल्क कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आइस क्यूब्स इसके अंदर शामिल करेंगे, चलिए अब इसे ब्लेंड करती हूँ और आपको दिखाते हैं। देखिए, ग्लास को आप इस तरह से फैंसी कर लें, आप इसके अंदर पोर करेंगे, बिस्मिल्लाह। मिल्क बनाना एवोकाडो स्मूदी तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।